العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعون. इससे पहले की आयतों में उन कुफार मुशरिकीन से मुतालिक बातें चल रही थी जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहा था, मजनून अब काहिन कहा था। ऐसे लोगों को ये दावत दी गई, उनसे चैलेंज किया गया कि अगर तुम कुरान मुकद्दस को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयार करदा किताब तसव्वुर करते हो तो तुम्हारे पास तो अरबी ज़बान है, कुरान जैसी एक आयत भी है। अगर तुम अपने दावा में सच्चा हो, ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, एक इंसान ने इसे गढ़ लिया है, इसके बिलमुकाबिल तुम तो पढ़े लिखे लोग हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है अपनी सदाकत और सच्चाई को साबित करने के लिए कुरान मुकद्दस की आयतों की तरह से एक आयत पेश करो। यकीनन आज तक कुरान की किसी एक आयत का जवाब न दिया जा सका है और न सुबह क़यामत तक जवाब दिया जा सका। ऐसे लोगों से मुतालिक ये बात भी कही गई कि ये लोग खालिक हैं या मखलूक, यानी ये खुद पैदा हुए हैं या ये लोग पैदा करने वाले हैं। तो सबका जवाब यही है कि मखलूक है, पैदा किए हुए हैं, पैदा करने वाले नहीं। फिर उनसे सवाल किया गया कि आसमान और ज़मीन को क्या इन लोगों ने पैदा किया है? सब कहते हैं नहीं, आसमान और ज़मीन को अल्लाह के सिवा किसी ने पैदा नहीं किया। फिर उनसे सवाल हुआ कि इनके पास अल्लाह की जानिब से खजाने मौजूद हैं, इसका सरफा खर्चा खुद कर दें या उन खजानों पर इन्हें दरोगा और निगरान निगहबान को तय किया गया? इसका भी जवाब यही देते हैं कि नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं। ये भी सवाल हुआ कि इनके पास कोई सीढ़ी, मजबूत लंबी सी सीढ़ी है जो ज़मीन में गाड़े और आसमान की बुलंदी तक पहुंच जाए और वहाँ मलाए आला की बात, आसमानी दुनिया की बात सुन लें या अल्लाह की बात सुनकर लोगों के पास आकर बयान करना शुरू कर दें? इसका भी जवाब यही है कि इनके पास ये इख्तियार है। इन लोगों ने अल्लाह के फरिश्तों को, अल्लाह को अल्लाह की बेटियां तसव्वुर किया तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा फैसला कितना बुरा है, लड़कियों को अपनी निगाह में अच्छी नहीं समझते। अगर तुम्हारे घर बच्ची की विलादत की खुशखबरी सुनाई जाए तो तुम्हारा चेहरा काला पड़ जाता है। फिर उन बच्चियों को अल्लाह के हवाले कैसे करते हो कि अल्लाह की बेटियां हैं, अपने लिए बेटा तसव्वुर करते हो और अल्लाह के लिए बेटियां मानते हो? ये भी तुम्हारी तकसीम अच्छी नहीं। आगे आएगी कि बेदनसीबीजा बिल्कुल भोंडी तकसीम। आगे की आयतों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया
या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया अम तसअलुहुम अजरन फहुम मिन मगरम मुस्तरुन, ऐ नबी क्या दावत व तबलीग पर आप इनसे उजरत का मुतालबा करते हैं, तो उसके बोझ के तले ये दले दबे दबे जा रहे हैं और आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अच्छी बात, इसका भी जवाब यही है कि हर नबी ने अपने ज़माने में शुरू में कह दिया मैं अस्सलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे इस दावत व तबलीग के फरीदे की अदायगी और अंजाम देने पर उजरत का जर्रा बराबर भी मुतालबा नहीं। अम इंदहुमुल गैब फहुम यक्तुबून, क्या इनके पास गैब है कि उसी इल्म गैब की रोशनी में कुछ लिख लेते हैं। जाहिर सी बात है कुफार मुशरिकीन ने इस दावा की भी तर्दीद कर दी कि हमारे पास कोई गैब की चीज नहीं। फिर एक सवाल अंदाज अम युरीदू नकैदा, ये लोग किसी किस्म की दाव चल रहे हैं, चाल चल रहे हैं। तो सुनो फल्लदीन कफरू हुमुल मकीदून, जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो उनको वो अपने चाल में फंस गए हैं। जिन्होंने कुफ्र किया है और अल्लाह के रसूल के खिलाफ ये लोग तदबीर कर रहे हैं, दाव चल रहे हैं, चाल चल रहे हैं, मकरू फरेब कर रहे हैं, इससे अल्लाह के नबी को तो नुकसान होने वाला नहीं है, अलबत्ता इस नुकसान से दो चार ये खुद हो जाए। इस मकर फरेब का नतीजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा, उसका वबाल से उन्हीं को दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया। इस अल्लाह ने नबी बनाया वो अल्लाह अपने रसूल की हिफाजत भी करता है और करे, इस लिहाज से सारे लोग मिलकर उनके खिलाफ करने भी लग जाएंगे तो उल्टी हो गई सब तदबीरें, उनकी सारी तदबीरें उल्टी पड़ जाएंगी। अल्लाह के रसूल के खिलाफ चाल चलेंगे लेकिन उस चाल का नुकसान इनको खुद भुगतना। अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाह, क्या इनके लिए अल्लाह के अलावा कोई और माबूद है? सुभान अल्लाह, अम्मा इश्क़ अल्लाह की ज़ात पाक है उन तमाम चीज़ों से जिनको अल्लाह के साथ ये शरीक है। जाहिर सी बात है लोगों ने अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह को माबूद बनाया, पूरे तौर से माबूद नहीं बनाया बल्कि कहा ये भी अल्लाह का शरीक है। हम इनके सामने जमीन नियाज को झुकाते हैं, पेशानी रगड़ते हैं, गर्दन झुकाते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, जमीन को समायत करते हैं या इनकी खुशामद करते हैं, तो इनकी इबादत करना मकसद नहीं होता बल्कि हम इनके करीब होना चाहते हैं। चूंकि ये अल्लाह के करीब है इसलिए ये हमें अल्लाह से करीब। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इनकी इबादत नहीं करते मगर सिर्फ इसलिए ये हमें अल्लाह से करीब। जो लोग अल्लाह की पूजा पाठ बंदगी इबादत करते हैं वो तो उनको मुस्तकिल इबादत के लायक नहीं समझते बल्कि वे तसव्वुर करते हैं कि इनकी पहुँच अल्लाह तबारक व तआला के पास है, हम इन्हें खुश कर लेंगे, ये हमारी सिफारिशी बन के अल्लाह की बारगाह में खड़े हो गए और फिर अल्लाह तबारक व तआला इनकी सिफारिश को कबूल करेगा, हमारा बीड़ा पार होगा। जबकि इन्हें मानना चाहिए सिफारिश वही कर सकेगा जिसको अल्लाह की जानिब से इजाजत मिले और सिफारिश उन्हीं लोगों के बारे में किया जा सकता है जिनके बारे में अल्लाह सिफारिश करने की इजाजत दे। मैं यश बाबिंदी, कौन है जो अल्लाह के पास अल्लाह की इजाजत के बगैर सिफारिश करे? तो सिफारिश करने की ताकत और तवानाई किसी को नहीं होगी। हाँ अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदा के बारे में सिफारिश करवाना चाहेगा तो मखसूस लोगों को सिफारिश करने का अख्तियार मिलेगा, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफात का मौका मिलेगा,
शिफात कुबरा है, बड़ी शिफात मैदान मैशर में सारे लोग जमा शुरू से आखिर तक एक लंबी मुद्दत तक लंबा वक्फा तक खड़े रहे, हैरान और परेशान होंगे। तो कुछ लोगों के दिलों में ख्याल पैदा होगा कि कब तक हम यहाँ खड़े रहे। ऐसा किया जाए कि अल्लाह की बारगाह में इस्तगासा लेके पहुंचने की कोशिश की जाए। तरीका क्या होगा कि हम सब लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास चले, उनसे कहें कि आप तो अबुल बशर है, अबुल इंसान, इंसान के बाप हैं, आपसे ही नस्ल चलेगी। आप अल्लाह से कहिए कि मसला हल करें, कब तक हम यहाँ हैरान परेशान हैं। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नफसी नफसी, तो बड़ी बात है भाई, मुझे अपनी फिक्र है, मैं अल्लाह के सामने खड़ा नहीं होता। क्यों? अपनी गलती को याद करें कि अल्लाह ने जन्नत में आराम सुकून से रहने की इजाजत दी थी, लेकिन साथ साथ एक शर्त लगाई थी, अल्लाह तब रबा आदिश करीब। हमने अल्लाह के मना करता गाछ और दरख्त में से कुछ खा लिया, अब मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हो सकता, इसलिए आगे बढ़ जाओ, जाओ हजरत नूह के पास। वाक्य को दरअसल जहन कर आदम अलैहिस्सलाम अपना पल्ला गोया झाड़ लिया, अल्लाह के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सके, तो कहें आगे चले जाओ, लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास आए, कहेंगे आपको आदम सानी है, सारी दुनिया तबाह बर्बाद हो गई थी, फिर आपसे ही नस्ल चली। आप तो अल्लाह के बारगाह पहुंचे और कहीं हिसाब किताब ले ले, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी यही कहेंगे कि मुझे अपनी पड़ी हुई है नफसी नफसी, मैं अल्लाह के सामने खड़ा होने के लायक नहीं, क्योंकि मैंने भी अल्लाह से एक मरतबा ऐसा सवाल कर लिया था जिस पर अल्लाह आपसे नाराज हो गया, जब मेरा बेटा मेरे सामने डूब गया, बेदराना शफ़क़त के पेश नज़र मैंने अल्लाह तबारक व तआला से हल्का सा सवाल किया, इन्नबनी मिन अहली व इन्न बादकल हक व अंत हकमुल हाकिम। अल्लाह मेरा बेटा तो मेरे घर का एक फर्द था, तेरा वादा था तेरे घर के फर्द को हम डुबोएंगे नहीं, तो बेहतरीन फैसला करने वाला है, फिर भी मेरी निगाह के सामने मेरा बेटा डूब गया। सूरह हूद में अल्लाह ने उसके जवाब दिया, ऐ नूह तुम ऐसी चीज के बारे में मुझसे सवाल मत करो जिसका तुम्हारे पास इल्म नहीं, ला तसअलनी मा लैस लक बिही इल्म इन्नी अऊज़ुका अन तकून मिनल जाहिलीन, जिसका इल्म तुम्हारे पास नहीं हो तुम बात मत करो, अगर ऐसी हरकत रही तुम्हारी नबूवत छीन ली जाएगी, जाहिल हो। नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगी, अल्लाह आइंदा ऐसा नहीं। इस उसूल को, गलती को नूह अलैहिस्सलाम याद करें और आए हुए तमाम लोगों को ये कह के वापस कर देंगे, मैं अल्लाह के सामने खड़ा होने की ताकत नहीं। लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा कि आप तो अबुल अंबिया है, तमाम नबियों के बाप को आप ही हैं, आपका दर्जा अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में बहुत बड़ा है, आप तो सिफारिश कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी वही कहेंगे नफसी नफसी, मेरे पास ताकत और तवानाई नहीं है कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा होकर कुछ जुरत कर सकूँ, मुझे अपनी पड़ी हुई है, मैं बोल नहीं सकता आगे जाकर। वो भी अपनी भूल पे आते हैं, इंसान होने के नाते भूल किसी से हो सकती है, नबी से भूल जब होती है तो अल्लाह फौरन उसकी गिरफ्त कर लेता है और ठीक भी कर देता है। आम इंसान से गलती होती है, उसे छोड़ दिया है, कभी पकड़ भी होती है कभी छोड़ दिया है, नबी मासूम अनिल खता होते हैं गुनाहों से पाक, इसका मतलब वो उनका गुनाह होता नहीं, अगर कुछ मिजाज के खिलाफ कोई बात कह दे, ये शरीयत के उसूल के खिलाफ
हल्की सी बात भी हो जाए तो नज़दीका पेश बहुत हैरान है, जो करीबी होता है उसकी मामूली मामूली बातों में पकड़ होती है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो दीगर अम्बिया जो मामूली से अपने से चूक हुई उसको याद करके वो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर जाए, नहीं हम तो आने जा सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अपनी कुछ कोताही को याद करेंगे, तीन मरतबा हमने इस तरह से बात कर ली थी, जैसे बीवी है मैंने कह दिया मेरी बहन है, बुद्ध को हमने तोड़ा आपने कह दिया थी कि इस बड़े ने तोड़ा है अगर रिपोर्ट सकता तो पूछ लो, एक बार मेरे कौम के लोगों ने कहा चलो पूजा के भंडार में मैंने सितारे देकर कहा इतनी सकीम नजर नजर तुम मजूर पपा इतनी सकीम सितारे देखा और मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि वाकई बुद्ध परस्ती जो कुड़न महसूस हो रही उसका तस्करा तो कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन इस मामूली सी बात के इब्राहिम अलैहिस्सलाम नोट करते हैं और कहेंगे नहीं हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूछ दे ये मुँह और मसरूर की धार मेरे सामने कैसे तुम्हारी हिम्मत होगी खड़े होने की, मैं भी नहीं हो सकता। और आगे लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास बुखारी शरीफ अपनी तफसीर से भी जाना मूसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप तो बड़े जलाली पैगंबर हैं, आप अल्लाह ने फजीलत दी है कि अल्लाह आपसे बात किया है, तो दुनिया में अल्लाह से आपको हम गलामी का शर्फ हासिल है तो मुल्क अल्लाह के सामने खड़े होकर तो सिफारिश तो करा दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं बनाया हमारे पास भी ताकत नहीं है, तो मूसा फकदा अलैहि एक लड़का को मैंने मूसा लगाया वहीं मर गया, अल्लाह की कोशिश होगी तुम मार के मेरे पास आए हो तुम्हें क्या जवाब, इसलिए मैं अल्लाह के सामने खड़ा नहीं हो सकता, तुम आगे जाओ ईसा के पास, तो हजरत ईसा के पास है, हजरत ईसा भी यही कहेंगे इनका ये अपनी किसी गलती का तस्करा नहीं है इनके बारे में इसमें, लेकिन वो ये कहेंगे मैं भी अल्लाह के सामने खड़ा नहीं सकता। आदम अलैहिस्सलाम ने नूह अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पास कोताहियों का तस्करा करके अल्लाह के सामने खड़ा होने से इनकार किया। इब्राहिम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी अपनी भूल का तस्करा तो नहीं करेंगे, लेकिन वो भी ये कहेंगे मैं भी अल्लाह के सामने खड़ा नहीं सकता हूँ, तुम जाओ मेरे पास। आप फरमाते हैं लोग मेरे पास आएंगे जब मुझसे लोग कहेंगे तो मैं अल्लाह को मनवाने के लिए अल्लाह की बारगाह में झुक जाऊँगा, फाखिर व साजिदा मैं सजदा में गिर पड़ूँगा, बड़ा लंबा सजदा इतना लंबा सजदा जितना अल्लाह चाहे, और अल्लाह की वो हम दर तारीफ बयान करूंगा जो अल्लाह तबारक व तआला तारीफ करवाना चाहे, फिर अल्लाह हमसे कहेगा इरफा रास गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सर उठाइए मांगिए आपकी मांग पूरी की जाएगी, सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश पूरी की और कीजिए। जहाँ हर आदमी के बारे में तसव्वुर करता है कि हम उसका दामन थाम लेंगे और मेरा बेड़ा पार हो, वह अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने के लिए नबी भी तैयार नहीं है कि अपनी मामूली मामूली लफ्जों को और कोताहियों को याद करके अल्लाह के सामने खड़े होने से इनकार। कितनी बड़ी विदाई है, लोग बोलते हैं अरे मेरा नाम लोगों ने सारा मसला लिया, वो इंसान के चोरे चमार जैसी हुकूमत का तसव्वुर करता है कि रिश्वत दे करके और किसी किस्म का पावरफुल हैसियत को दिखा करके अपनी बात बनाता है, अल्लाह बाहर उलमा यूनिक है जो चाहता है वही करता है, उसके सामने किसी को दम मारने की गुंजाइश नहीं है। तो सिफारिश करने के लिए आदमी किसी आदमी को खड़ा कर लेता है, तसव्वुर करता है कि हमारी सिफारिश कर देंगे, कुरान कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो अल्लाह जिसको सिफारिश करने की इजाज़त देगा और जिसके बारे में इजाज़त देगा वही सिफारिश करेगा और उसी के बारे में सिफारिश करेगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला सिफारिश कबूल करना सवलमा को सिफारिश करने का इख्तियार दिया जाएगा, हुफ्फाज कराम को सिफारिश करने का इख्तियार दिया जाएगा, उस शहीदों को सिफारिश करने का इख्तियार दिया जाएगा, अम्बिया और मुरसलीन और सिद्दीकीन को वगैरह, तो अल्लाह जिसको चाहेगा जिसके लिए चाहेगा जितने भी मकदार में चाहेगा उसे सिफारिश करने की इजाज़त। अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाह, क्या इनके माबूद है अल्लाह के सिवा, जो कहते हैं हमारे माबूद तो है लेकिन जिस भी माबूद कुल्ली तौर से नहीं, हम इनकी इबादत नहीं करते हैं बल्कि हम इन्हें
अल्लाह की बारगाह में सिफारिशी तसव्वुर कर, ये अल्लाह से हमारी सिफारिश कर देंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। सुभानअल्लाह अम्मा यशरिकून, अल्लाह की जात पाक है तमाम चीजों से जिन चीजों को अल्लाह के साथ शरीक ठहराया है। शिर्कियात को अल्लाह जर्रा बराबर भी गवारा नहीं करता। इन कुफार मुशरिकीन की बेबसी यह हर धर्मी का यह आलम है कि इनके करतूत वक्त के नतीजे में अगर इन्हें दिखाई दे कि आसमान से अजाब का कोई टुकड़ा गिर रहा है, उसे अजाब का टुकड़ा मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, बल्कि कह देंगे कि यह पूर्ण साहब मरकूब ये तो तह मतलब बादल है जो नीचे आ रहा है। इधर हकीकत उनकी बेहसी की इंतहा, बेहसी का तस्करा किया गया कि अजाब भी आ रहा है तब भी मानने के लिए तैयार। मौजूदा दौर में मुसलमानों के हालात कुछ इससे ज्यादा खराब है, परेशानी दर परेशानी है, फिर भी सुधरने और संवरने के लिए तैयार है। अल्लाह के अजाब का कोड़ा बरस रहा है लेकिन अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार है। मईशत और जीना उनका दुर्बल कर दिया जा रहा है फिर सोचने के लिए तैयार है। मुख्तलिफ किस्म की बीमारी मुबतला होकर जान से हाथ धोना पड़ रहा है फिर भी अपने इस्लाह करने के लिए इंसान तैयार है। वबाई बीमारियाँ ताउन और प्लेग और मौजूदा दौर का कोरोना और इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ लगातार उसका जहूर और नजूल हो रहा है लेकिन हम उसका तमाशा बनाए बैठे हैं फिर भी हम अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए तैयार हैं। कहा हमें बजाय दिख रहा है कि अजाब उतर रहा है, आसमान से कोई टुकड़ा गिर रहा है इसे तबाह बर्बाद कर देगा, लेकिन उसकी तामीर करते हुए कह रहे हैं ये तो आसमान का टुकड़ा थोड़े है, ये तो तह मतलब बादल है, इससे पानी बरस। आज बीमारियां मुख्तलिफ किस्म की हैं, हम उसके साथ हंसी मजाक करके गुजारते हैं। ये बीमारियां यूं ही नहीं आती। लम तज़हर अल फाहिशतु फी क़ौमिन क़त्तु इल्ला नज़र फीहि ताउन यज़हर फीहि ताउन। जब कौम में बुराइयां फहशकारियां खुलेआम होना शुरू हो जाए तब ताऊन वल अवजा और ऐसी बीमारियां जिसका नाम पहले सुना भी नहीं, तो वो बीमारियों का जहूर होता है। इल्ला नज़ल बिह ताऊन वल अवजा, ताऊन उतरता है या मुख्तलिफ किस्म की बुरी बीमारियां उतरती, हम उसके लिए लाल मुझक्कर की तरह कुछ ज़ाहिरी असबाब तैयार कर लेते हैं, कुछ वजह बता लेते हैं, किसी ने वायरस छोड़ दिया है तो किसी ने कुछ कर दिया है, फिर वो हमारा खुदा है जो हमको नुकसान पहुंचाने का। हमारा हकीकत यह होता है कि बीमारी भी अल्लाह ही देता है, शिफा भी अल्लाह ही करता है। आलमी पैमाने पर कितना कोई पावरफुल हो गया कि आलमी पैमाने पर बीमारी फैला दे, ये बीमारी है, ये वबाई शक्ल है, ये अल्लाह का अज़ाब भी। गलत सी बात है कि ताउन वगैरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़श्ता कौम के लिए अजाब करार दिया है, फिर भी अगर उम्मत मुस्लिमा इससे दो चार हो जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी फरमान है कि अगर उसका अकीदा और नजरिया दुरुस्त है तो ताउन में मरने वाला इंसान शहादत के दर्जा पर। लेकिन हमारा हाल क्या है, हम इसको बिल्कुल इजरी नहीं लेते, बिल्कुल आसान कोई चीज ही नहीं, परेशानी दर परेशानी आ रही है और हम सुधरने के लिए तैयार नहीं। कहा कि आसमान से कोई टुकड़ा गिरने वाला हो फिर भी लोग सोचेंगे कि थोड़े अल्लाह का अज़ाब है, ये तो ऐसे ही है कि तह मतलब बादल है, उससे पानी नहीं निकलेगा, हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। नबी अभी को छोड़ यहाँ तक के अपने उस दिन से मुलाकात कर ले जिस दिन इनको बेहोश कर दिया है, मतलब अब ये लोग सुधरने वाले नहीं, कहते नहीं
कि इनको जगाने के लिए सूरह इसराफील हुई। इसराफील अलैहिस्सलाम जब सूर भूकेंगे तभी जाएंगे। तो मशहूर बात है, सोया हुआ को जगाया जाता है, जो सोया नहीं है लेकिन मटियाया हुआ उसको लतियाने की जरूरत है, लाश से ठोकर मारिए तब उठता है। उठे बगैर चारा ही नहीं है। आज मतलब मुसलमान का यार ताबड़तोड़ परेशानियां आने के बावजूद 20 लाख करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, हम नहीं मानेंगे तो छोड़ दीजिए। उन कुफार मुशरिकीन के बारे में कुरान ने कहा, फजरहुम हत्ता युलाकू यौमहुम अल्लज़ी फीहि युसअलून। आपका काम दावत और तबलीग का मुकम्मल हो चुका, अब ये समझने के लिए तैयार नहीं है तो छोड़ दीजिए। ऐसा लगता है कि ये लोग अब क़यामत की बेहोशी का इंतजार कर रहे हैं, अल्लाह की जानिब से सूर फूंका जाए और ये सब के सब खत्म। अगर यही सूरत हाल है, यौम ला युग्नी अन्हुम कैदुहुम शैया वला हुम युनसरून, जिस दिन उनका ये मकर व फरेब इनको कुछ फायदा नहीं देगा, हम ला युनसरून और न इनकी किसी जानिब से मदद। दुनिया में तो हाथ पर बहुत मार रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की चाल चल रहे हैं, तदबीर कर रहे हैं, दाव इख्तियार कर रहे हैं, तो किसी तरीके से बच भी जाएंगे या नबियों के खिलाफ, सहाबा के खिलाफ, अहले इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, अल्लाह रसूल के खिलाफ, तो मुख्तलिफ किस्म की तदबीरें कर रहे हैं। कहा इनकी तदबीरें भी कुछ कारगर नहीं साबित। जब अल्लाह का अज़ाब इस दुनिया में आ जाएगा, सूर्य इसराफील फूंक दिया जाएगा, तो अपने आप को बेहोशी से बचाना भी चाहेंगे तो बचा नहीं सकते। अपने लाओ लश्कर को, दोस्त अहबाब को, हाली मवाली को बुलाएंगे, मेरी मदद करो, उसकी मदद के लिए तैयार। या फिर क़यामत के दिन सब लोग जमा हो गए जिन पर विश्वास और भरोसा किया था कि हमारी सिफारिशी बन जाएंगे, हमारा मसला हल करा देंगे, हमको अल्लाह से करीब करा देंगे, हमें जन्नत तक पहुँचा देंगे, जहन्नम से बचा देंगे, आप सब तो ओझल हो जाएंगे। खैर दिखाई नहीं, दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की तदबीरें की है, तदबीर काम आई। या मुख्तलिफ किस्म के लोगों पर भरोसा तवक्कुल करके रखा था, बड़ी तमन्नाओं की जिंदगी की गुजर रही थी, कहा जर्रा बराबर भी बाउंड्री नजर। कहाँ ये तो बड़ी बात है कि दूर में क़यामत में रहीम अज़ाब नाज़िल होगा, उससे पहले पहले भी हम अज़ाब दे सकते हैं, यकीनन ज़ालिमों के लिए उससे पहले भी अज़ाब, चूँकि लोग ये मुजरिमाना ज़हनियत के लोग हैं, ज़ालिमाना हरकत करते हैं, तो इनके ज़ुल्म की सज़ा यहाँ मिल के रहे, मरने के बाद जो सज़ा मिलेगी तो बड़ी सज़ा है। वला नुज़ीक़न्नहुम मिन अल-अज़ाब अल-अदना दून अल-अज़ाब अल-अकबर, बड़े अजाब से पहले छोटा छोटा अजाब इनको हम देंगे, क़यामत की पशीमानी से, ज़िल्लत ख़ारी से, और जहन्नम के अजाब से तो बच नहीं सकेंगे, उसके बावजूद वो तो बड़ा अजाब है, हम दुनिया में छोटा छोटा अजाब से इनको दुचार करते हैं। श्री कुरान ने कहा وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ, यकीनन ज़ालिमों के लिए उससे पहले भी अजाब है, وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, लेकिन इन मकसद बेशतर लोग जानते नहीं हैं। जो शक्लें आ रही हैं, जो परेशानी आ रही है, मुश्किलात की और मुसीबतों की दो सूरतें होती हैं। जो परेशानी आती है उसकी दो वजह होती है, एक तो आजमाइश की सूरत होती है, एक अजाब की शक्ल। लेकिन इम्तिहान किसका होता है? जो इम्तिहान के लायक, उन लोग इम्तिहान के लायक भी नहीं। एक इंसान गुनाहों में लतपत है, इब्तदाई मरहले में उसके लिए बतौर आजमाइश कुछ बीमारी आती है कि आदमी सुधरते, लेकिन जब सुधरता नहीं है तो ज़बरदस्त बीमारी उसको पकड़ती है। किसको बीमारी पकड़ी है? वह अजाब की शक्ल में या इम्तिहान की शक्ल में, वो फैसला हमारा आप नहीं कर सकते। अपने बारे में हम फैसला कर सकते हैं,
ये अल्लाह के इम्तिहान से दो चार है या अल्लाह के अदा में गिरफ्तार। हम किसी के बारे में नहीं कह सकते हैं वो मुसीबत बड़ा है, जरूर अल्लाह का अदा से दो चार है, इम्तिहान भी हो सकता है, उसकी आजमाइश भी हो सकती है। तो हम किसी के बारे में फैसला नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने बारे में ज़रूर फैसला कर सकते हैं कि हम जो मुसीबत से दो चार हुए हैं, मुसीबत कसबत, जो कुछ तुम्हें मुसीबत पहुँचती है तो तुम्हारे करतूत का बदला हुआ करता है। कसीर अल्लाह ताला बहुत सारी खताओं को ऐसी खुशकी में और तरी में जो फसाद बर्पा होता है, जहाज टकरा गया, कश्ती डूब गई, सड़क पर एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, जिस तरह से कोई परेशानी है, कहा तो इंसान के हाथों की तबाही। अगर उन चीज़ों को आदमी सामने रखे तो अंदाजा होगा कि हम जो मुसीबत में से दो चार हैं, अल्लाह की जानिब से आजमाइश में गिरफ्तार हैं या फिर अल्लाह के अदाब से हम दो चार। फैसला हम अपने बारे में करेंगे, किसी के बारे में नहीं कर सकते। कुरान ने कहा यकीनन जो लोग जालिम हैं उनके लिए उससे पहले बड़े अजाब से पहले छोटा छोटा अजाब मिलेगा, लेकिन इनमें अक्सर बेशतर लोग जानते नहीं, अगर जान जाए तो अपनी मामूली मामूली गलतियों की इस्लाह करना चाहिए। अपने रब के फैसले तक सब्र के साथ इंतजार कर। ये लोग अब अल्लाह के अजाब से दुचार होने के मुस्तहिक बन गए, सबसे अच्छे इंसान को सबसे अच्छी जगह से निकालने की इनकी साजिश चल रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छे इंसान और मक्कतुल मुकर्रमा सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छी जगह से अमन वाली जगह से अमन के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग निकालने की साजिश कर रहे हैं। अब इंतजार कीजिए, ये लोग ही अल्लाह के अज़ाब से बचा रहे हैं। वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक, अपने रब के फैसले का सब्र के साथ इंतजार है, मुस्ताफिर हो सकते हैं। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की दौर के आखिरी अय्याम गुजार लिए, मदीना पहुंच गए, दूसरे ही साल से वो सिलसिला शुरू हो गया। जंग बदर पेश आई, फार मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार 70 सरदार तय किए, अजाब था उनको तकलीफ पहुँचाया, तो दुनिया में जो अजाब दिया बड़ा अजाब तो क्या बन गया। और याद रखिए आप हमारी निगाहों के सामने ये लोग आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हमारी निगरानी में आप हैं, हम आपकी इबादत कर रहे हैं। अब इनके लिए इंतजार कीजिए कब अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब इन पर बरसता है, आप तो महफूज रहेंगे क्योंकि आप मेरी निगरानी। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीन तक़ूम, और अपने रब के हमद के साथ तस्बीह बयान कीजिए जिस वक्त आप उठिए। तस्बीह सुभान अल्लाह क्या है, हम अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाह, बुखारी की आखिरी हदीस है, बार बार पढ़ते रहिए, बड़ी फजीलत है और बड़ी इसकी अहमियत। या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया जब आप उठिए तो अपने रब के हम्द के साथ तस्बीह बयान करें। इसलिए मुहिम ये बयान किया गया कि जब आप सो कर उठिए तो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर, तारीफ अल्लाह के लिए तारीफ जिसने हमें मार देने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया और उसी अल्लाह के पास लौट गया। बाद इसकी तफसील ये बयान की है कि जब आप सो कर उठिए तो अपने रब के हम्द के साथ तस्बीह बयान कीजिए, यानी तहजूद गुजारी कीजिए और खूब अल्लाह अल्लाह कीजिए, उसकी तस्बीह कहिए। बात इसके मतलब ये लिया है कि जब आप नमाज के लिए खड़े हुए तो अपने रब के हम्द के साथ तस्बीह बयान कीजिए, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिका सुभानक अल्लाहुम्मा सना क्या पढ़ते हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिका तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा इल्ला अंता, ये पढ़ते हैं। होया इस तस्बीह को भी, और बात इसकी तफसील यह की है कि जब भी किसी मजलिस से उठिए तो मजलिस के खात्मे को पढ़िए सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिका
اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. یہ بھی تسبیح. تو جب بھی اٹھ سو کر اٹھئے، جب بھی کسی مجلس سے اٹھئے، جب بھی کسی کام سے فارغ ہو کر اٹھئے، تو الحمدللہ سبحان اللہ وغیرہ پڑھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل بھی دیں گے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ چار کلمات ہیں. آگے پیچھے جیسے بھی پڑھیں اس کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے، بڑے درجے ہیں، بڑے گناہ مٹتے ہیں اور بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے. ومن اللیل فسبح، اور رات کے حصے میں اس کی تسبیح بھی آ گئی. بعض لوگوں نے اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں، اور بعض نے کہا ومن اللیل فتہجد بھی نافلۃ لک، رات میں تہجد پڑھیے تو آپ کے ذمے ایک الگ سے آیت کیا گیا، یعنی تہجد سبحان اللہ الحمد للہ تو پڑھتے ہی رہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شام کے وقت مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھیے، اور رات کے پھر حصے میں اٹھیے تحجید کی جائے. وَإِذْ بَارَ النُّجُومَ، اور اس وقت بھی اللہ کی تسبیح و تحلیل کیجئے جب ستارہ چھپ جائے، مراد فجر کی نماز پڑھیے یا پھر فجر کی کوئی قسم، مطلب کیا ہوگا؟ اللہ نے اپنے رسول کو تعلیم دی ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی اور اللہ کی تحمید بیان کرنے کی. جب انسان کو پیدا کیا جا رہا تھا تو اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر انسان پیدا کرنے والا ہوں، جو میرا خلیفہ میرا نائب ہوگا، میرے احکام کی پابندی کرے گا اور نافذ کرے گا. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ انسان پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، تحمید بیان کرتے ہیں، تو کافی ہے. تو اللہ نے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، انسان کے پیدا کرنے کا مقصد میرا کیا ہے میں جانتا ہوں. اس اللہ نے ہمیں پیدا کرایا، فرشتوں کے اعتراض کا جواب بھی دیا. کیوں؟ کہ انسان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری زبان میں سبحان اللہ نہیں ہے، الحمدللہ نہیں ہے، اللہ اکبر نہیں ہے، لا الہ الا اللہ نہیں ہے، بلکہ گالی گلوچ ہے اور اس کے علاوہ گانے بجانے ہیں. پہلے ایمان کی شان بتلائی گئی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے آتے جاتے کھاتے پیتے ہر وقت میں بھی اللہ کی تسبیح، کھاتے ہیں بسم اللہ، اللہ کا نام لیا، کھانا ختم کیا الحمدللہ، اللہ کی تسبیح بیان کی. اس طرح قرآن میں باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا جب کفار و مشرکین پر اللہ کا عذاب اتر نہیں پاتا ہے آپ انتظار کریں، لیکن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی کہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کر کے اللہ کو ہمارا خوش رکھے. در حقیقت آپ کے ذریعے سے پوری امت کو تعلیم دی گئی ہے. اگر ہم سوچتے ہیں کہ کفار مشرکین عذاب سے دوچار ہو جائے تو ہمیں کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ تو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو تسبیح و تحلیل کرو، سبحان اللہ الحمد للہ کرو، یعنی اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرو اور اپنی غلطی اور اپنی کوتاہی کا تذکرہ کرو. جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں لا الہ بھی ہے اور سبحان اللہ بھی، کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری سوائے عبادت کے لائق کوئی نہیں، میں ہی گناہ گار. یعنی انسان کو اپنی گناہ کا اعتراف ہونا چاہیے اور اس گناہ کے اعتراف کے ساتھ ساتھ اللہ ہی کے لیے عبادت یقین کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے تسبیح و تحلیل بھی کرنا ہے. اتنی عظیم دعا ہے، اتنی عظیم دعا کہ قرآن مقدس کہتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ تسبیح نہیں پڑھتے، یہ آیت کریمہ کی تلاوت نہیں کرتے، للب صفی وطن ہی الا یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے. گویا مچھلی کے پیٹ کی مصیبت سے نکلنے کے لیے یونس علیہ السلام نے چھوٹی سی تسبیح پڑھی، بہت آسان سی تسبیح ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
बीमारी की पेड़ से निकलने के लिए, परेशानियों के खोल से निकलने के लिए, हर किस्म की उलझनों से बाहर आने के लिए, क्या ये दुआ हमारे लिए कारगर साबित नहीं हो सकती है? लेकिन कितनी बार हम अल्लाह की बारगाह में अपनी आजमीर की सारी का इजहार करते हैं और कितनी बार अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बख्शे बख्शाए थे, उनकी खताएं गलतियां यूं ही अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ कर दिया था, उसके बावजूद आपसे कहा गया उठते बैठते अपने रब की तस्बीह कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह पाए। सुन्नत रसूल के मुताबिक उन लोगों की जिम्मेदारी है बार बार इस किस्म के तस्बीहात को दोहराते रहें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह से जुमले हो हमें पढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर सूरह तूर खत्म होती है, अल्लाह ताला हमें और आपको और जुमला मुसलमानों को पुरानी आयत समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह आइंदा सूरह नजम की तिलावत करेंगे।